हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो गियर बॉक्स रिपेयरिंग के बारे में है। तो आज हम गियर बॉक्स रिपेयरिंग करेंगे। ये हमारे पास ये LG कंपनी का गियर बॉक्स है, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो ज़्यादा देर ना करके अब ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए ये गियर बॉक्स हमारा LG कंपनी का है। अब इसमें क्या खराबी है, ये एकदम टाइट है। ये देखिए, हम इसको हाथ से घुमा रहे हैं, हाथ से नहीं घूम रहा है तो ये बेल्ट से तो बिल्कुल ही नहीं घूमेगा। तो अभी इसको हम खोल के ये देखते हैं कि इसमें क्या खराबी है, इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो देखिए, हम इसको ओपन करने के लिए ये हमारे स्क्रू लगे हुए हैं, 1, 2 और 3 स्क्रू। ये तीनों स्क्रू को हम खोलेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको तीनों स्क्रू खोल लिया और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम दोनों को अलग करते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी दिन से चलने के वजह से इसके अंदर पूरा जो है, ये देखिए, अंदर मिट्टी भी चली गई थी और ये पूरा जो है जाम हो गया था। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए, हाथ से भी ये पूरा ये नहीं घूम रहा है, ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। ये देखिए, अभी ये घूम गया है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये देखिए, सारी पूरी मिट्टी निकल गई इसके अंदर से। काफ़ी दिन अगर वाशिंग मशीन हमारा यूज़ करने के बाद उसको रख देते हैं, अगर 4-5 महीना, तो क्या होता है, ये अंदर इसके बुश होता है और ये साफ्ट जो है जाम हो जाती है। तो हमको इसको पूरी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अच्छी तरह से पुश करो। हाँ, तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे। ये हो गया है। ये देखिए, पूरी तरह से हम इसको साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद अभी क्या हो गया, एकदम फ्री हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जिसके वजह से ये बाद में भी जाम ना हो और ये फ्री रहे। ये देखिए, हमने ऑयल डाल दिया है। ये अब ये घूमने लगा है। इसके दांते पे भी डाल देंगे हम ऑयल। ऑयल डाल सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने इसको निकाला था वैसे ही हम इसको लगा देंगे। देखिए, ये हमारा जो स्क्रू वाला पोजीशन है वो ये है। ये तीन जगह है, 1, 2 और 3। ये तीनों जगह स्क्रू लगेगा, इस डिज़ाइन से हम लगा देंगे। फिर हम इसको चला के देखते हैं ये हमारा गियर बॉक्स चलता है कि नहीं। ये देखिए, अभी ये पूरी तरह से काम कर रहा है। ये देखिए, घूम रहा है। अब हम इसको स्क्रू लगा देंगे, जैसे मैंने निकाला था उसी प्रकार से हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए, हमारा बॉक्स जो है रिपेयर हो गया है। अब ये पूरी तरह जाम नहीं है, ये आराम से काम कर रहा है। नीचे से ये ऊपर तक आप देख सकते हैं, ये देखिए नाच रहा है। बस ये क्या था, ये काफ़ी दिन रखने की वजह से ये जाम हो गया था। वो हम इसको इसी प्रकार से खोल के इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।